जी आप सभी को पता है कि आजकल डीप फेक का ट्रेंड चल रहा है। पहले रश्मिका मंदाना, उसके बाद काजोल और फिर दीपिका, फिर कैटरीना कैफ, इन सभी के डीप फेक फोटोज काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो वही अब सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए ट्विटर यानी कि एक्स पर उनके नाम का फेक अकाउंट इस्तेमाल करने और डीप फेक फोटो शेयर करने वाले पर जमकर गुस्सा उतारा। पिछले कुछ समय से सारा तेंदुलकर क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में लगातार नजर आती रहती है और वो काफी चर्चा में भी है। हाल ही में ही समाप्त हुए वर्ल्ड कप के दौरान भी वह भारत के मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद रही और पिछले कुछ समय से सारा तेंदुलकर का नाम शुभमन गिल से जोड़ा जा रहा है और हाल ही में ही गिल के साथ उनकी डीप फेक फोटो भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें सारा तेंदुलकर काफी परेशान नजर आई और उन्होंने इंस्टाग्राम पर उसके लिए स्टोरी भी डाल दी। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ समय से सारा तेंदुलकर का नाम शुभमन गिल से जोड़ा जा रहा है और हाल ही में ही गिल के साथ उनकी डीप फेक फोटो भी वायरल हुई थी, जिससे सारा परेशान नजर आई। सारा तेंदुलकर ने बुधवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, सोशल मीडिया खुशी, दुखी और अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए शेयर करने वाली एक बेहद शानदार जगह है, लेकिन इस सोशल मीडिया का गलत यूज करना काफी गलत बात है और ये इंटरनेट की वास्तविकता को दूर ले जाता है। मैंने अपनी कुछ डीप फेक तस्वीरें देखी है जो कि काफी गलत है। सारा तेंदुलकर ने यह भी कहा कि ट्विटर पर उनका कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन कोई उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ महीने से ट्विटर पर सारा के नाम का एक अकाउंट काफी एक्टिव है और उस पर सारा की जिंदगी से जुड़ी कई अहम जानकारियां शेयर की जा रही है। सारा ने आगे बताया कि एक्स पर @सारा तेंदुलकर के नाम का कोई फेक अकाउंट है, लेकिन वह मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है और गुमराह करने के इरादे से बनाया गया है। मेरा एक्स पर कोई अकाउंट नहीं है और उम्मीद है कि इस पर गौर करेगा, इस अकाउंट को हटाया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने उनकी इंस्टा स्टोरी को डिलीट कर दिया।